अनिल जी, अधिकतर पांव छूना बड़ा शुभ माना जाता है, लेकिन बुद्ध धर्म के अंदर पांव नहीं छुपाते हैं महंत लोग, भंते जी, उसका क्या विशेष कारण है वो बताएं। जैसे कि बौद्ध धर्म में दो प्रकार की परंपराएं हैं, एक अंजलिबद्ध नमस्कार है, दूसरा पंचांग नमस्कार है। अंजलिबद्ध का मतलब है हाथ जोड़कर हमको ओकाश बंदामी भंते बोलते हैं, और दूसरा अंजलिबद्ध है हाथ जोड़ के माथे पर दोनों हाथ जाते हैं, छाती पर रखते हैं, फिर नमस्कार करते हैं नीचे झुककर। तो उसमें बोलते हैं ओकाश बंदामी भंते द्वारा तेन कत्तंग सबंग अपराधंग खमतु में भंते, ये तीन बार बोला जाता है। उसका फिर प्रति उत्तर जो भंते होता है उसका देता है, अभिवादन शीलस निच्चा बद्धा पचायनो चत्तारो धम्मा बढ़ंती आयु बन्नो सुखंग बलंग। तो उसकी चार चीज़ें मिलती हैं, उसको आयु मिलती है, सुख मिलता है, सुंदरता मिलती है, और उसको वर्ण मिलता है। ये चीज़ें उसको चार प्राप्त होती हैं जब वो इस तरह नमस्कार पंचांग नमस्कार करता है और अंजलि बद्ध करता है। तो भंते जो भी होते हैं वो होते हैं तेरा मंगल हो, कल्याण हो, भला हो। लेकिन अधिकतर लोग जब पांव छूते हैं भंते जी के, तो भंते जी मना करते हैं कि हमारे पांव नहीं छूने, उसका क्या विशेष कारण होता है वो मेरे को बताएं। वो इसलिए होता है कि वो जहाँ कहीं भी जो हमारी परंपरा है वो एक फिट दूरी पर रखकर भी आप पंचांग नमस्कार करेंगे तो एक फिट कम से कम एक फिट की दूरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम एक फिट की दूरी पर आप पंचांग नमस्कार करेंगे। जी, अधिकतर जो भिक्षु हो, हमारी जितनी जो परंपरा है वो हम दूसरी फॉलो करते हैं क्योंकि हम उसको छोड़ नहीं पा रहे और हम इसको फॉलो नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम आ रही है। अधिकतर साधु वगैरह को देखा जाता है कि वो एक जगह बैठ के अपना डेरा जमा लेते हैं, मंदिर हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन जो भिक्षु होते हैं वो हमेशा चलते रहते हैं, उसका क्या कारण होता है कि वो एक जगह नहीं बैठते हैं और चलते रहते हैं, उसके बारे में बताएं। उसके बारे में चरत भिक्खवे चारकंग एक परंपरा है, और चढ़ते भी तो चलते रहेंगे तो प्रचार होता रहेगा, और नहीं तो एक जगह जैसे पानी रुक जाता है, तालाब होता है तो सड़ जाता है, इसलिए भिक्खुओं की परंपरा चलते रहें। मगर तीन मास के महीने में, बारिश के महीने में तीन महीने कहीं ना कहीं एक जगह स्थान पर वर्षावास पर रुकते हैं। अच्छा, सिर्फ तीन महीने भंते रुकते हैं, नहीं तो चलते रहते हैं धर्म के प्रचार के लिए। मैं आपसे एक विशेष बहुत अहम क्वेश्चन है कि साधु और भंते में क्या फ़र्क होता है वो हमें बताएं। साधु और भंते में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं, क्योंकि वो भंते जो पाली का शब्द है, साधु हिंदी का शब्द है, दोनों शब्दों में है साधना। जो आदमी अपने आप को साधु साध पाता है वही साधु है, और जो भंते है जो साधना कर पाता वही भंते है। आप सबने बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन मौके पर हमसे बात करी, हमारे चैनल से बात करी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।